नाम सुन के दिल की रफ्तार बदल जाती है, और वो मैथमेटिक्स है जिनके आते ही हर ख्वाब बदल जाते हैं। अगर आपके पास मैथ्स यानी गणित का नॉलेज है तो आपका सब सब्जेक्ट में मन लगेगा और इंटरेस्ट होगा। अगर बात करें तो सब सब्जेक्ट का पिलर है मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स की ये माया की दुनिया सभी सब्जेक्ट में आता है। मैथमेटिक्स इज अ पिलर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ये बाबू दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर इसको दिलो जहन में उतार लीजिएगा ना, तो समझिए तो हर सब्जेक्ट आपका दी बेस्ट हो जाएगा, और हर सब्जेक्ट इजी वे में समझ में आएगा, क्योंकि उससे आपका दिमाग खुलता है, उससे आपके हर एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट उत्पन्न होती है। तो उसको एक बार प्यार से देखिए। और मैथमेटिक्स पता है क्या करता है, वो कहता है कि मेरे तुम करीब आओ, और तुम अगर उससे डर जाओगे ना मैथमेटिक्स से, तो पक्का डर के ही मतलब डर डर के जियोगे। अगर एक बार उससे करीब चले जाओगे ना, तो बार बार जाने की कोशिश करोगे, बार बार जाने की कोशिश करोगे। तो ये दिमाग में बैठा लो। यहाँ देखिए, पिछले वीडियो में हम फॉर्मूला का कुछ ट्रिक बताए हैं, बहुत शानदार आपको लगा था, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपके दिमाग में तो बैठ गया होगा ना फॉर्मूला का ट्रिक। लेकिन इस बार उसी ट्रिक का इस्तेमाल भी करते हैं, जो ज्ञान लेते हैं उसका उपयोग तो करना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पे, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे, आप पढ़े हैं बाबू क्या, साइन 30, साइन 0, साइन 30, 90, 60, 45, यही सब ना पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे तो साइन 30 का वैल्यू आपको याद करना पड़ता है, इसका ट्रिक भी बताए थे, ये सब चीज़ आपको याद करना पड़ा। लेकिन यहाँ ये सब नहीं है, 18 साइन 18 का वैल्यू नहीं होता है, वैसे आपको निकालना पड़ेगा, अगर होता भी है तो निकालना पड़ेगा, जो बहुत टफ होता है, जो आपके लेवल का वो नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से बात करें तो इसका आखिरकार वैल्यू कैसे है, मतलब साइन 18 क्या होता है, साइन 72। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन देता है ना, तो कुछ सबूत छोड़ देता है, और वो सबूत छोड़ा क्या है, ये दोनों को जोड़ने के बाद पक्का 90 आएगा, ये दोनों को जोड़ने के बाद पक्का 90 आएगा, ये दोनों को जोड़ने के बाद पक्का 90 आएगा, इन दोनों का 90, यानी जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो फॉर्मूला एक ही टो लगेगा। और वो फॉर्मूला ये जो आप ट्रिक बताए थे ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन बदल जाता है कॉस में। अगर आपके पास कहीं कॉस थीटा हो तो ये लिख सकते हैं, अगर ये वाला हो तो ये लिख सकते हैं, समझ में आया। साइन 90 माइनस थीटा हो तो उसके जगह पे कॉस लिख दीजिए, चाहे कॉस 90 हो तो साइन लिख दीजिए। या फिर एक और आपको फॉर्मूला बताए थे, टेन वाला, टेन 90 माइनस थीटा, तो ट्रिक याद है ना, टेन है ना तो टी है, यहाँ पे क्या है बाबू, टी है, तो टी वाला का उल्टा टी वाला होता है, तो कॉट में टी आता है, कॉट थीटा, समझ में आया। टेन 90 माइनस थीटा कॉट, या फिर कॉट 90 माइनस थीटा टेन, अगर यही क्वेश्चन ऐसे हो जाए कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये भी टी वाला का उल्टा टी वाला क्या हो जाता है, टेन थीटा। ये दोनों पता है क्या कहता है, कि जब हम तुम्हारे बदले लिखा सकते हैं, लिखा जा सकता है, तो हम भी जब 90 में आएंगे तो तुम भी साथ रहोगे ना, ठीक है, तो वही टेन इसके साथ में रहता है। उसी तरह साइन के बदले कॉस लिखेगा ना, तो कॉस के साथ अगर 90 माइनस थीटा हो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ देखो ये अलग रूप हो जाता है, यहाँ पे अगर हो जाए कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा कॉस के साथ है तो साइन के साथ भी ये जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और एक और इसका तो ट्रिक आपको खुद पता रखना पड़ेगा, लेकिन ये तो ट्रिक पर सेट हुआ ना, टी है तो टी उल्टा। और यहाँ देखिए, कॉसिक 90 माइनस थीटा हो तो हो जाता है सेक थीटा, ठीक है, कॉसेक, सेक इसमें भी है और सेक, तो सेक वाला का उल्टा सेक वाला होता है। जैसे कॉसेक 90 पूछे ना, तो सोचिएगा सेक किसमें है, तो सेक खुदे है, ठीक है, और वही सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉसेक थीटा, ये हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन है तो समझ जाइएगा कि ये 90 माइनस थीटा पर बनेगा, क्योंकि 90 में से कुछ घटेगा। आप देखिए इसको, किसी एक को बदलिए, अगर ये दो ठो दिया है, साइन दिया है, कॉस दिया, तो किसी एक को बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, और ट्रिक भी आपको बताएंगे। वैसे इसका आंसर 1 आएगा, अब हम कैसे बता दिए, तो वो ट्रिक पर बता दिए, इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 0, इसका 0। अब ये याद नहीं किए हैं, आप भी बता सकते हैं, ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले यहां पे क्या कीजिएगा, साइन के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन के जगह पे आप कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, थीटा के जगह 18 है, तो साइन के जगह पे आप लिख लीजिए कॉस 90 माइनस 18, ठीक। अब बाकी एक को बदलिए, एक को छोड़ दीजिए, अगर दो ठो है तो एक ही को बदलना है, चार को रहेगा तो दो को बदलना है, ये याद रखिएगा, कॉस, ये कॉस 72 याद रखिएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, कॉस 90 में से 18 जाएगा, 72 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस 72, इससे ये खत्म हो जाएगा एक बार में, इसका आंसर कितना आया, 1 आया। अब आपको बता दें, इसका मतलब कुछ प्लानिंग समझिए, यहाँ देखिए 10 के जगह पर क्या लिख सकते हैं,
टेन थीटा के जगह पर आप लिख सकते हैं, यहाँ भी टेन थीटा है तो टेन थीटा जगह पर लिख सकते हैं कि नहीं, टेन थीटा के जगह पर ये वाला चीज़ें लिख दीजिए, क्या कॉट। याद रखिएगा वो ऐसा सेट करके देता है ना क्वेश्चन कि ये वाला इसका उल्टा होता है, ये वाला इसका उल्टा होता है। जैसे कॉस देगा ऊपर तो नीचे साइन देगा, और नीचे अगर साइन देगा तो ऊपर कॉस देगा, ताकि आप इसको बदल के बराबर करके काट दीजिए। तो ये हो जाएगा कॉस कॉट 90 माइनस थीटा, टेन के जगह पे क्या लिख दिए, कॉट 90 माइनस थीटा। और यहाँ नीचे वाला वैसे थीटा के जगह पे क्या है 26 है, और यहाँ कॉट 64 नीचे वाला उतार दिए। उसके बाद से हो जाएगा कॉट घटाइएगा तो हो जाएगा 64 और बट्टा में कॉट नीचे 64, खत्म हो गया। कितना बचा, 1 बचा, कितना बचा, 1। अब एक चीज रट लीजिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें 10 25 26 कुछ भी हो, ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए, 90 आ जाए, समझिएगा कि वो इस रूल पर बनेगा, और बट्टा में दिखे तो उसका आंसर 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, ये रट लीजिए बाबू, बट्टा में दिखे तो उसका आंसर 1 आएगा। अगर इस टाइप का बट्टा में दिखे तो आंसर 1 आएगा, और माइनस में दिखे तो आंसर 0 आएगा। समझ में आया, बट्टा में दिखे तो आंसर 1 आएगा और माइनस में दिखे तो 0, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अगर बट्टा यानी कि भिन्न भी इसको कहते हैं, भिन्न में दिखे तो 1 और माइनस में दिखे तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ये याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये गारंटी है मेरा, ठीक है, ये दिमाग में। लेकिन एक शर्त और है इसमें, क्या है, अगर क्वेश्चन यही दे दे 2 10 26 और बट्टा कॉट 64, तो हम क्या बोले, बट्टा में दिखे तो इसका आंसर 1 होगा, तो ये तो 2 रहेगा, अब बट्टा में दिखे तो इसका आंसर 1, तो 2 एकम 2। अब ये ऐसे क्वेश्चन हो तो 1 आंसर मत मारिएगा, 1 ऑप्शन पर मत मारिएगा, क्योंकि साइड में देखिएगा 2 है, हम बोले हैं इस टाइप का इतना का आंसर 1 आएगा। समझ में, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए ना, ये भी 2 दिया है कि नहीं, किसी एक को बदल दीजिए आंसर आ जाएगा। किसी एक को बदलने का मतलब क्या, ये दोनों को जुड़िएगा तो 90 आएगा। कॉस को बदल दीजिए, कॉस कहाँ है, कॉस को बदल दीजिए साइन में, तो यहाँ लिख सकते हैं आप, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे, कॉस के जगह पे आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा के जगह 48 है, और माइनस ये उतना ही छोड़ दीजिए, वो देखो कैसे 42 है 42 है, साइन 90 में से 48 जाएगा तो 42 आ जाएगा, साइन 42। आप देखिए तो दोनों सेम आ जा रहा है कि नहीं, जब दोनों सेम आ गया तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0। और वैसे ही ये भी क्या होगा, कौशेक है ना, तो कौशेक सेक में ही तो बदलता है, देखो तो कौशेक अगर दिया है तो सेक 90 माइनस थीटा लिखो यहाँ पे, ठीक, इसको छोड़ दो, एक ठोको चेंज होगा, दोनों माइनस हो जाएगा। इसको आप खुद बना के कमेंट में कीजिए कि आपका कितना आंसर आया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आया होगा, और इस लेसन में बाबू टोटल इसी पर डिपेंड करता है। जब भी कौशेक दिखे, जब भी यहां कौशेक दिखे तो समझिएगा कौशेक सेक वाला लगा दीजिएगा 90 के साथ, अगर सेक दिखे तो सॉरी सेक दिखे तो कौशेक, कौशेक दिखे तो सेक लगा दीजिएगा। ये वाला 6 फॉर्मूला अपने जहन में उतार लीजिए बाबू, ठीक है, और फिर बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो साबित इजी वे में हो सकता है, दिखाइए कि क्या दिखाइए, क्वेश्चन को दिखाना है कि इस क्वेश्चन को बनाइए और 1 लाइए, ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइए 0 है। वैसे आपको बता भी चुके हैं, या फिर बट्टा में हो, या फिर एक और बार बता दे रहे, बट्टा में हो चाहे गुणा में हो, दोनों का आंसर 1 आता है, अगर माइनस में दिखे तो 0 आता है, क्योंकि 2 को सेम कीजिएगा, ये दोनों सेम जब दिखेगा तो घटाइएगा तो 0 ही ना होगा, क्योंकि 2 सेम चीजों को अगर घटाते हो तो क्या आता है, 2 में से 2 जाएगा 0, तो अगर इधर वाला सेम हो जाए तो कितना होता है, 1। अगर 2 चीजों को बट्टा में सेम रखते हो तो कटता है तो क्या आता है, 1 आता है। तो वही सेम कर देना है और कुछ नहीं करना है। और आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद है साइन कॉस टेन लिखे थे, कॉसेक से कॉट, तीन गो को ऊपर ले गए थे हम, तीन गो को क्या किए थे, ऊपर ले गए थे, तो हो गया था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, ऐसे हुआ था ना, वैसे ही हुआ था क्या, कॉस थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये हुआ था 1, और उसके बाद से हुआ था कॉट थीटा, या टेन ही का ही बात करें तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये ट्रिक बताए हैं, बहुत शानदार है, ठीक है, ये वाला होता, इसी फॉर्मूला का हम यूज अधिकतर करेंगे। सुनो अब यहाँ पे तरीका क्या करना है, यहाँ देखिए 48 है, 23 है, 42 है, मतलब 67 यानी कि 67 है। अब देखिए आप ऐसा जोड़ा लगे जिसे दो जोड़े को जोड़ने के बाद 9 आ जाए, 48 में क्या जोड़िएगा कि 90 आ जाएगा, तो ये दोनों साथ में है, आपको बताया था ना कि दोनों को जोड़ने के बाद हमेशा क्या आता है 90, यानी दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ जाता है, तो एक को चेंज कीजिएगा एक को छोड़ दीजिएगा। वैसे ही 23 और 67 को जोड़िएगा तो 90 आता है, तो इसमें एक को चेंज कीजिएगा एक को छोड़ दीजिएगा, 1 आपका साबित हो जाएगा। देखिए कैसे 10 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आपको याद है 10 वाला फॉर्मूला क्या होता है, 90 माइनस थीटा, तो होता है कॉट 90 माइनस थीटा,
ठीक, इसको चेंज किए, इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे, फिर इसको भी चेंज करेंगे, इसको इसको छोड़ देंगे, तो इसको चेंज करा, वैसे ही हो जाएगा कॉट 90 माइनस 23 डिग्री, 10 को चेंज की दिए 23 डिग्री, और ये दोनों को छोड़ दे रहे हैं, क्या छोड़ दे रहे हैं, 10 42 को छोड़ दिए और 10 67 को छोड़ दिए, हमको 1 लाना है। यहाँ देखिए हो जाएगा कॉट 90 में से 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा 42, और कॉट ये हो जाएगा 90 में से 23 जाएगा तो 67, फिर हो जाएगा 10 42 उतार दिए और फिर क्या उतार दिए 10 67। आप बताइए टेन थीटा और कॉट थीटा, थीटा तो दोनों समान है, तो अगर थीटा दोनों समान है या टेन या कॉट है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ देखिए दोनों का थीटा समान है, एक जगह टेन है या एक जगह टेन है एक जगह कॉट है, तो दोनों ये मिलेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई रहता है। वैसे ही ये भी थीटा समान है, टेन या कॉट मिलता है तो क्या बन जाता है 1, 1 में 1 से गुणा करने पर 1 हो जाता है। हो गया आंसर, सिंपल सिंपल है कि नहीं? अरे बहुत मैथमेटिक्स आसान होता है, दिल वालों के लिए मैथमेटिक्स है, समझ जाइए। यहाँ देखिए वैसे सेम टू सेम ये भी बदल दो, 38 है मतलब 38, तो एक को चेंज करो एक को छोड़ दो, सिंपल है। तो 38 को इस दोनों को बदल देते हैं, ये दोनों को छोड़ देते हैं, तो कैसे बदलोगे, साइन बदल जाए, कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन 90 माइनस 38 लिखा जाएगा, ये भी बदल जाएगा साइन में, साइन 90 माइनस 52, और ये माइनस है, ये दोनों को छोड़ दो, साइन 38 और ये हो जाएगा आपका साइन 52, हमको ये जीरो साबित करना है। चलिए साइन 90 में से 38 घटाएगा तो कितना होगा, तो 90 में से जब 38 घटाएगा तो 52 होगा, ठीक है, और इनटू साइन 90 में से 52 जाएगा तो कितना होगा 38, माइनस साइन 38 और साइन 52। यहाँ देखिए तो ये 52 में से एगो 52 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, 38 में से साइन 38 घटाएगा तो क्या हो जाएगा 0, मिला जुला के ये दोनों सेम रहा तो ये खत्म हो गया, और घटेगा तो क्या, कटा नहीं है, हम तो भले काट दिए, ये घटा है, तो दोनों का हो गया 0, ये भी तो हो गया प्रूव्ड, PROVED, ये भी तो साबित हो गया, ये भी तो साबित हो गया। तो याद रखिएगा इसमें कितना था, 1 2 3 4, 4 को हिस्सा था ना, 2 को चेंज किए 2 को छोड़ दिए, अगर 10 हिस्सा होगा तो 5 को चेंज कीजिएगा 5 को छोड़ दीजिएगा ताकि दोनों सेम हो जाएगा, तो बट्टा में होगा तो कट के 1 आएगा और माइनस में होगा तो घट के 0 आएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, अरे समझ में आएगा, बहुत आसान होता है मैथमेटिक्स। तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, पता है गौर से नहीं देखिएगा तो क्या होगा, इस बार पता है क्या हुआ, लड़का जब एग्जाम देने गया था ना, बाबू लोग जब बबुनी लोग भी एग्जाम देने जब गया था तो मामला गड़बड़ा गया था, सिर्फ 5 को क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट वाला गेस करा दिए कि चलो ये वाला एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, और जो जो मिस्टेक किया ना वो तो पछताया, लेकिन जो देख लिया ना सेम टू सेम ग्राफ का क्वेश्चन सेम था, एकदम सेम टू सेम सेकंड पाली में मैच कर गया, यानी सेकंड सेटिंग वाले में मैच कर गया, यानी कि इस दिमाग में बैठा लीजिए बाबू कि जिसके जिस तरह हम समझा रहे हैं आपको और जिस अकॉर्डिंग हम सोच करके बता रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो सोचिए कि उस बेस पर या वही क्वेश्चन जरूर रहेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब मान लीजिए कि देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा, ये दिमाग, ये मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, इस क्वेश्चन को गौर से आप देखिएगा। यहां देखिए क्या लिखा है, टेन 2a और यहाँ कॉट a लिखा है, अब मामला कह रहा है कि 2a एक न्यून कोण है तो a का मान निकले, आप थोड़ा दिल के ये सोचिए कि यहाँ से a का मान कैसे निकलेगा, अगर ये हट जाए दोनों, टेन और ये कॉट दोनों हट जाए तो ये हट जाए, उसके बाद से 18 हट जाए, कुछ a बच जाएगा, अकेले a बचाना पड़ेगा ना, तो ये दोनों को काटना पड़ेगा। तो उपाय क्या है, जब भी बोले कि 90 वाला दिखे, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन दिखे 18 डिग्री 12 डिग्री, तो समझिएगा इसका वैल्यू तो होता नहीं है, तो जब इसका वैल्यू नहीं होता है तो हमेशा ये देखिए यहाँ से इसी को तोड़िए, 2a बराबर कॉट a माइनस 18, इसको तो नहीं लेकिन इसको 90 माइनस थीटा कर दिए, 10 को बदलिएगा तो होगा कॉट 90 माइनस थीटा के जगह पे क्या है, थीटा के जगह पे 2a है, एक को बदलिए एक को छोड़ दीजिए, हमको a का मान निकालना है। तो देखिए तो कॉट से कॉट खत्म हो गया, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब एक जात को एक जगह कर लीजिए, a वाला को एक तरफ, नंबर वाले को एक तरफ, तो हम 18 को इधर ला लेते हैं और 2a को a के पास भेज देते हैं, 90 ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 18, और ये a बचेगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 2a, ये 90 और 18 हो जाएगा 108 और ये 3a, कटा दीजिए इसको तो कितना से कटेगा, 3 3 का 9, 1 बचा और 3 6 18, a बराबर आ गया 36 डिग्री,
ए बराबर कितना आ गया 36 डिग्री, जिसमें ए का मान निकल गया। तो सिंपल है कि नहीं, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर इधर देखते हैं। ये 3 नंबर रहा, ये 4 नंबर रहा, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है और सबसे आसान है। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री साबित करना है ये वाला। तो बताइए ये दोनों को कटना पड़ेगा तबे तो ए और बी बचेगा। और आप थोड़ा देर के लिए बताइए कि यहाँ कॉट टेन ए है और यहाँ कॉट बी है, तो क्या करें? किसी एक को बदल दीजिए, किसी एक को बदल दीजिए ताकि सेम हो जाएगा, तभी ना कटेगा। हम टेन को बदल रहे हैं, तो टेन को बदलेंगे। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन उतार दें, टेन ए बराबर कॉट बी, इसको बदले तो होगा कॉट 90 माइनस ए और ये हो जाएगा कॉट बी। इसको हम चेंज कर दिए, कॉट से कॉट खत्म, 90 माइनस ए बराबर बी, ये माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बचेगा बी प्लस ए। अब बी प्लस ए लिखिए चाहे ए प्लस बी लिखिए, आखिरकार यही तो साबित करना था ना, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यहाँ क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। कितना सिंपल है, बहुत आसान है। बस इतना दिमाग में रखना है कि दो गो सेम दिख रहा है तो एक गो को चेंज कर देना है। दो गो सेम यहाँ पे मैंने जो भी यहाँ दिख रहा है तो किसी एक को, वो हमेशा ऐसा ही सेट करके देता है। जब टेन देगा तो इधर कॉट देगा, अगर साइन देता है तो इधर कॉस देता है, यानी एक ही जात का एक ही दूसरे का भाई भतीजा लगेगा, ऐसे ही सेट करके देता है। कभी ये नहीं कहेगा कि इधर टेन दे दे इधर साइन दे दे तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो ऐसे ही क्वेश्चन सेट करके देता ही है, वो खुद ऐसा गलत क्वेश्चन देके फंसना थोड़े है उसको, आप उसको छोड़िएगा क्या। तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, 5 नंबर फिर 6 नंबर देखते हैं। देखिए 6 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आया है, एक बार 2014 में आया था बाबू ये एग्जाम में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम आया था। कभी कभी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक क्या सुधार कर देता है। यहां साइन है तो आप तो ये पढ़ रहे हैं तो इधर साइन रहेगा तो इधर कॉस रहबे करेगा, ये तो आप कन्फर्म है। एक बार इधर क्या दे दिया था, सेक दे दिया था तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस एक रहता। यहां अगर कॉट रहेगा तो इधर का रहेगा, टेन रहेगा। यही चीजें तो हमेशा होता है, यहां समझिएगा इस बात क्वेश्चन को। यहां देखिए तो क्वेश्चन इधर सेक है तो इधर क्या दिया है, कॉसेक। सेक को बदल दीजिए कॉसेक में, जब सेक कॉसेक बदल जाएगा, कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा और फिर किसका मान निकल जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। तो क्वेश्चन 5 नंबर है, ये क्वेश्चन जो 5 नंबर है लिखा है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, बदल दीजिए सेक को, सेक को बदलिए कॉसेक 90 माइनस थीटा के जगह पे है 4a, क्या है 4a, तो 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। और इसको वैसे ही एज इट इज सेम टू सेम उतार दीजिए, ठीक। इससे ये खत्म हो जाएगा और बचेगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। इतना तो आप समझ गए, एक जात को एक जगह कीजिए, 4a को एक के पास और नंबर को एक के पास, 90 माइनस में है 20 इधर आएगा तो प्लस में, और ये हो जाएगा ए माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 4a, ये हो जाएगा 90 और 20 110 और ये हो जाएगा 5a, कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 5 × 10 और 5 × 10, a बराबर आपका आ गया 22 डिग्री। कितना आ गया, ए बराबर 22 डिग्री। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ सेक है तो एक को चेंज करेंगे, एक को छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ 6 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, अब इसको मिटाते हैं और इसको समझाते हैं, इसको भी हटाते हैं क्योंकि इधर ध्यान भटकाने वाला काम नहीं। कह रहा है कि यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, एक त्रिभुज का नाम है ए बी सी, समझिएगा ध्यान से, ए बी सी, दो गो ए बी सी दिया है, एक दिया है ए बी सी, त्रिभुज का नाम है ए बी सी, उसका अंदर वाले कोण का नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी के अंदर वाले, अंदर अंतः माने अंदर वाले कोण का नाम दे दिया है ए बी सी। तो आप हमको एक बात बताइए बाबू, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री आता है, समझिएगा नहीं, ए बी सी ये जितना भी कोण है सबको जोड़ने के बाद कितना आता है 180 डिग्री। और यहाँ देखिए बी और सी है, दो गो को जोड़ा है, इधर ए को अलग छाड़ दिया। थोड़ा देर के लिए सोचिए कि हम ए बी सी तीनों को अगर जोड़ेंगे तो बराबर में क्या लिखना पड़ेगा, 180। लेकिन यहाँ क्या किया है, ए को हटा दिया है, ए को हटा दिया, खाली बी और सी को साथ में रखा है। तो यही काम करते हैं कि एज वी नो वेरी वेल दैट, जैसा कि हम लोग बहुत अच्छे तरीका से क्या जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब कि अगर बात करें हम एंगल ए, कभी कभी एंगल दो या न दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल ए
एंगल बी प्लस एंगल सी अगर सबको जोड़े तो 180 डिग्री होता है। और साबित करने वाले क्वेश्चन में एक चीज बैठा लीजिएगा, सबसे पहले बार बार देखा जाता है कि साबित क्या करना है। हमारे पास ए बी सी आ गया, जिसमें बी सी भी है ए भी है, इतना तो आ गया ना, ये दोनों चीजें साबित करना है। अब हमको क्या करना है, नीचे लाना है दो, नीचे क्या लाना है दो, तो क्या उपाय करें कि नीचे दो आ जाए, तो उपाय जो भी करते हैं दोनों तरफ करते हैं, तो उपाय कर रहे हैं दोनों तरफ हम दो से भाग कर दे रहे हैं, किससे भाग कर दे रहे हैं दो से डिवाइड कर, एक तरफ कोई भी काम नहीं किया जाता है। देखो इधर देखा जाता है कि किया क्या है, नीचे दो है तो यहां लिखोगे दोनों तरफ दो से भाग देने पर, जब दो से भाग दीजिएगा तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बट्टा टू और बराबर 180 बट्टा दो, जब इसको कटाइएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और बट्टा में टू बराबर 90 डिग्री। अब मामला जानते हो क्या होता है, देखो यहाँ साबित क्या करना है, आप देखिए कि ये जानते हो क्या होता है, ए बी सी तीनों के नीचे बट्टा दो है, यानी तीनों का बट्टा क्या है दो, आप चाहे तो इसका अलग दो, जब अगर गुस्सा हो जाएगा ए ना कि जाने दो हमारा हक दे दो हमारा हिस्सा दे दो हम दो को अपना अलग लेकर आएंगे, तो ये अलग भी हो सकता है, ये भी अलग ये भी अलग हो सकता है। जानते हो क्या हुआ है, बी और सी दोनों भाई राय से रहने लगा, एक भाई को छांट दिया, तो ये जब अलग कर दिया तो जानते हो क्या हुआ, ये अलग हो गया इन लोगों से, यानी बोला कि ठीक है जब हमको अलग ही रहना है तो हम इन लोगों से अलग रहेंगे, तो एंगल ए का यहाँ पे दो पर हक है तो दो अलग हो गया, और बी और सी फिर साथ में रहेंगे, क्या रहेंगे इसको मिटा देते हैं हम, बी और सी एंगल साथ में, इधर बचा है 90। समझिएगा पूरा का बट्टा दो था, तो जो भी चाहे अपना अपना हक ले सकता है, तो हम यहाँ पे देखो तो साबित क्या करना है, बी सी हमेशा साथ में, ए को छांट दिया है लो, तो ए हमेशा अलग हो गया, इसमें से साइड कर दिए छांट दिए क्योंकि दो का हक था, और ए भी अलग हो गया। अब ए चला जाएगा इधर क्योंकि ये इस साइड है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। अब देखो बेचारा ए के साथ कितना, दोनों भाई ये तीन भाई बेचारा था लो, ए को अलग कर दिया लो, इसको अपना हक दे दिया लो दो और जाओ उधर। ठीक है, तो 90 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में ए बाई टू, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब मामला ये फंसता है कि इधर साइन आ गया इधर कॉस आ गया, उपाय बता रहे हैं दोनों तरफ साइन से गुणा कर दो, तो जब यहां साइन लिखोगे तो साइन के साथ तो ये रह जाएगा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और देखो यहां कॉस आया है कि नहीं, तो दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों तरफ साइन से भाग देने पर, तो जब दोनों तरफ साइन से भाग दोगे तो होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा साइन बी प्लस सी, अब एंगल देना है तो दो, नहीं तो मत दो तुम्हारी मर्जी, और यहाँ हो जाएगा साइन हो जाएगा 90 माइनस ए बाई टू, इतना समझ में आपको आया होगा। अब जब ये चीजें हो गई तो क्या कीजिएगा, आप साइन को लिख दीजिएगा वैसे ही एज इट इज, साइन बी प्लस सी बाई टू, साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा के जगह पे है ना, क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा के जगह पे है ए बाई टू, तो देखिए तो यही तो साबित करना था, साइन हम दो जगह दो बार ही काम किए, पहला काम नीचे दो लिखे हैं, दूसरा काम इधर दोनों तरफ साइन से गुणा किए, दो ही काम अपने से किया गया है, याद रखिए नीचे दो से भाग किया गया इधर साइन से, तो साइन बदल गया है 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हो गया आपका पी आर ओ वी ई डी प्रूव्ड हो गया। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और हम लोग इस एक्सरसाइज 8.3 का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ये पूरा लेसन का आखिरी नहीं है, इस एक्सरसाइज का आखिरी है, तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आखिरी क्वेश्चन 8.3 एक्सरसाइज का देखिएगा, बहुत आसान है, हमको लगता है ना कि पूरा का पूरा 8 लेसन का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, देखिए ना आपको बेवकूफ कैसे बनाने की कोशिश किया है, थोड़ा देर के लिए समझिए। साइन 67 कॉस 75 को 0 और 45 के बीच में लिखें, लोग कहेगा ये क्या बोल रहा है, कुछ बोला नहीं है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में इसको बदल सकते हो, यानी ऐसे रूप में इसको लिखो कि यहाँ 67 है, आप बताइए कि ये 45 से बड़ा है कि नहीं, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ चेंज करो, कुछ ऐसा करो कमाल के क्वेश्चन बन जाए, तो क्या करो ऐसा 67 को बदलिए कि ये 0 और 45 के बीच में हो, तो उपाय है ना, ये दोनों को बदल दे रहे हैं ना, साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री भी बड़ा है और 65 भी, जबकि यहां क्या दोनों जगह होना चाहिए, दोनों जगह 0 और 45 के बीच वाला नंबर, तो आपको तो रूल पता है ही, साइन को बदल दीजिए कॉस में, कॉस 90 माइनस 67, इसको भी बदल दीजिए साइन में, साइन 90 माइनस 75,
ये कॉस 90 में से 67 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3, और यह बचेगा कितना, 8 में से 6 जाएगा 2, 23 डिग्री, और प्लस साइन ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 8 में से 7 जाएगा 1, 15 डिग्री। आप देखिए तो ये क्वेश्चन था और बोल रहा था इसके कोण को बदल दीजिए, इस जो भी कोण है इसको बदल के 0 और 45 के बीच में रखिए। ये दोनों को जब हम चेंज किए तो एक आया 23 डिग्री, एक आया 15 डिग्री। ये 0 और 45 के बीच में है कि नहीं, 0 के बाद है और 45 के पहले है, तो ये दोनों हो गया। तो हो गया इसका आंसर, सबसे आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। और बाबू आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप इसके लिए मेहनत कीजिए, मैथमेटिक्स बहुत ईजी होता है। देखिए आपका पड़ोसी या फिर कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि आप उससे बहुत बेहतर करें, और आजकल के ज़माने में तो बाबू कॉम्पिटिशन ही हो गया है। देखो अगर आप के गांव में बेहतर रिजल्ट आ रहा है और आपके गांव का कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है तो वो कहे कि नहीं मेरा गांव टॉप किया है, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगा, दिमाग में बैठा लीजिए, कि हमारे लड़के से इसका अच्छा मार्क्स है। इसी के लिए आप बहुत मेहनत कीजिए, ताकि आप गांव में ही नहीं, आप एक छोटे से गांव को क्यों सोच रहे हैं, आप टॉप ऑफ द बेस्ट अगर बिहार बोर्ड से दे रहे हैं तो बिहार बोर्ड में आप नंबर वन स्थान लाए, क्योंकि जब आपको टोटल चीज पता है तो कमी आप में है। अगर समझ में आ रहा है और फिर भूल जा रहे हैं तो आप रिविजन नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए देखिए रिजल्ट आएगा, आपके रिश्तेदार फोन करते रहते हैं कि क्या पढ़ाई कर रहा है, रिश्तेदार भी कुछ ज्यादा नहीं चाहते हैं आपसे, उनसे भी कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते आप भी बताइए ना, रिश्तेदार भी कभी ये नहीं चाहेंगे ना कि आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएं, वो भी चाहे कि हाँ ऊंचाई तक जाए लेकिन एक मीडियम में रहे, मेरे से ऊपर नहीं जाए, ठीक है। ये दुनिया का रीत है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, दुनिया का ये पूर्णतः रीत बन चुका है कि प्रॉब्लम अपने ही देते हैं, हमने इसे हर बार आजमाया है और धोखा ही खाया है, दिमाग में बैठा लीजिए बाबू, ठीक है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं सिर्फ स्टडी पर फोकस कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, किसी प्रकार के भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। अगर रिजल्ट बेहतर होगा ना तो आपको जो नहीं जानता है वो आपको जानने की कोशिश करेगा बाबू, एक बात दिमाग में ये बैठा लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें ये दिमाग में अगर बैठ जाए, कभी रात को सोइएगा तो इस बात को सोचिएगा जरूर, ठीक है, कि आपके बारे में कितना कौन बेहतर सोचता है। आपके माँ बाप को छोड़कर इस दुनिया में कोई नहीं आपको सपोर्ट करने वाला है, माँ बाप को छोड़ करके अगर दुनिया में किसी पर भरोसा करोगे तो धोखा ही खाओगे और लास्ट में टूट जाओगे, ये दिमाग में बैठा लीजिए। इसीलिए आप खुद पर और माँ बाप पर भरोसा करके उनके लिए और अपने लिए पढ़ाई कीजिए, फोकस कीजिए। बहुत ईजी होता है, हर टॉपिक को हम बता रहे हैं ना बहुत आसान करके बताएंगे, एकदम ईजी में जो बच्चा भी छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। SST का तो नोट्स इतना जबरदस्त तरीका से बन रहा है, और जब उसका वीडियो अपलोड होगा तो दिन इंदियर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, हर नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बार बाबू आपको बिहार टॉपर बनना है, बिहार में नंबर वन, टोला मोहल्ला का चक्कर में मत रहो यार, बिहार में वन स्थान लाओ ना, बड़ी मजा आएगा और हमें भी बहुत खुशी होगी ये जान करके कि मतलब आप बहुत मेहनत किए। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और आप वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।